करंट अफेयर्स क्या क्या पढ़ना बता रहा हूँ। पहला पेज देखिए, एन मीरा मन्ना दिया है, पीडीएफ अब छत्तीसगढ़ का चीफ जस्टिस कैसे याद किए थे, जो गोस्वामी हो इसको बढ़ाएंगे गोस्वामी, ठीक है, न्याय कर सके, और न्याय कौन करेगा, राम भगवान करेंगे, ठीक है, तो रमन्ना, राम से रमन्ना याद रखना, चीफ जस्टिस है बस इतना याद रखना, और 48वां नंबर क्या है वो याद रखना, ठीक है, 48वां नंबर, 48वां संख्या, और कुछ याद आ रहा है क्या चीज करेंगे था 48वां, ओलंपिक, ओलंपिक का, ठीक है, 48 का फिगर वो भी है याद रखिएगा, चीफ जस्टिस कौन है, एन वी रमन्ना है, ठीक है, कब पद भार ग्रहण किया वो सब याद नहीं करना है, ठीक है, 24 अप्रैल 2021 मिला आपको, नहीं मिला पहले ही पेज है, नीचे करो इसका, ठीक, क्लियर, क्या याद रखना है, राम भगवान को बनाया चीफ जस्टिस, ठीक है, राम भगवान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारे नाम आएंगे ना तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो चीफ जस्टिस और कौन सा 48 नंबर का, ठीक है, सुशील चंद्रा भारत के नवीनतम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देखो एक सेंट्रल स्तर पर एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ना, मुख्य निर्वाचन आयोग, तो उसका जो हेड होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयोग का जो हेड होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसको भी सीईसी बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, तो वो कौन है, सुशील चंद्रा, ठीक है, सुशील चंद्रा कौन से नंबर के, 24वां, कैसे याद रखोगे, 48 का जस्ट आता है 24वां, तो ये दो का बस क्रम याद रखना, क्योंकि क्रम पूछ दिया जाता है, ठीक है, ठीक, फिलहाल इतना, अब किसका स्थान लिए वो सब छोड़ देना, ठीक है, अभी 110 पेज कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचे शॉर्ट शॉर्ट में, फिर न्यायमूर्ति बी नागरत्न, मेरे ख्याल से ना ये उसका फुल फॉर्म ही है, चीफ जस्टिस दिया हुआ है, पता नहीं है क्या है, न्यायमूर्ति शपथ लिए, पीसी मोदी राज्यसभा के नवीनतम महासचिव, ठीक है, महासचिव कौन बनाए गए, पीसी मोदी, ठीक है, फिर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिन्हा, जो लोकसभा के ओपन है उत्पल, और जो राज्यसभा के सचिव वो कौन है, पीसी मोदी, ठीक है, जब ये पॉलिटी पढ़ा रहा था तो साथ साथ ये बताया था क्या, जो चुनाव अधिकारी रहते हैं पीठासीन अधिकारी, वो कौन कौन होते हैं, बारी बारी, एक लोकसभा का महासचिव बनते हैं, राज्यसभा का महासचिव, पॉलिटी पढ़ाते वक्त बताया था, ठीक है, तो ये महासचिव कौन है अभी बने, एक तो लोकसभा महासचिव है उत्पल कुमार सिन्हा, और राज्यसभा के नेतृत्व सचिव है पीसी मोदी, ठीक है, अब कंफ्यूजन होगा तो कैसे कंफ्यूजन को दूर रखना, मैं बताया था जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का नेता होता है, वो मोदी हमारे मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ठीक है, लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट उल्टा है, मोदी जी से नाम रखना, मोदी जी राज्यसभा के महासचिव और उत्पल लोकसभा के, ठीक है, विमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य नियुक्त, अब विधि आयोग जहां पे बात आएगा ना, विधि लॉ, अब ये गुटका से रिलेटेड कानून बनता है नहीं बनता, ठीक है, तो बस वैसे रखना, विधि आयोग के सदस्य कौन नियुक्त किए हैं, ठीक है, विमल पटेल जी, ठीक है, फिर रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसको नवाजा गया, नीना गुप्ता, किसको, नीना गुप्ता, चीफ जस्टिस कौन थे, बिना देखे राम रामन्ना, कौन से नंबर के, सुशील चंद्रा क्या थे, कौन से नंबर के, 24वां, लोकसभा के महासचिव, लोकसभा के उत्पल, जस्ट अपोजिट करके याद करा था, लोकसभा के नियुक्त होता है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा के महासचिव है मोदी, पीसी मोदी, केसी मोदी, पीसी मोदी, ठीक है, और लोकसभा का उत्पल, राज्यसभा का मोदी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष सदस्य नियुक्त कौन की, पटेल, विमल पटेल, और नीना गुप्ता क्या है, रामानुजन पुरस्कार 2021 से नवाजा गया, ठीक है, निशा यादव मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल, ये किसको मिला है, निशा यादव को, ठीक,
उसके बाद पराग अग्रवाल उसके अंदर का पॉइंट नहीं पढ़िए, सिर्फ वो क्या क्या बनाया गया बस वो याद करना। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल, ट्विटर के नए सीईओ कौन? पराग अग्रवाल। विवेक देवराय क्या? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। एक देखो प्रधानमंत्री भी अकेले निर्णय तो नहीं कर रहता है, बट उनको सलाह देने वाली बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, टीम्स रहते हैं, ठीक है, आईएएस के मेंबर्स चेक, तो बहुत सारे मेंबर रहते हैं, तो वही एक आर्थिक सलाहकार है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद है जी, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? विवेक देवराय को। अब विवेक देवराय से याद रखना, ठीक है, हीरो से। अजीज प्रेम जी, ये तो नाम सुने होंगे, अजीज प्रेम जी का भारत के सबसे बड़े दानी देता, ठीक, किसके फाउंडर है, किसके? अजीज प्रेम जी विप्रो, तो यहाँ का देखे उधर के विप्रो कंपनी के अजीज प्रेम जी इसी स्थान पर। अरुण कुमार मिश्रा, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, देखो जिसे एक मौलिक अधिकार होता है मानव अधिकार होता है, तो वो मानव अधिकार का संरक्षण करने के लिए एक आयोग बना हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोला जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जैसे किसी भी टेररिस्ट पे भी अगर कोई मानवता नहीं दिखा रहे तो भी वो इन लोग आके खड़े हो जाते हैं, मानवाधिकार, कहीं गोलीबारी चल गया, ठीक है, कोई निर्दोषों की जान चले गई तो भी ये सब आ जाते हैं मानवाधिकार वाले, तो वो मानवाधिकार वही है, मानवाधिकार का सुरक्षा करने का। तो आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया? अरुण कुमार मिश्र, ठीक है। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के, लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग ना, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन बनाया? प्रदीप कुमार जोशी। अब यूपीएससी करने का जोश जोशी, ठीक है, और किसको जोश? प्रदीप जी को, ठीक है, सामने बैठे हुए हैं अध्यक्ष हमारे, तो कोई पोलिस इंस्पेक्टर नहीं, सीधा यूपीएससी, ठीक है। तो राम भगवान क्या है? रमन्ना, रमन्ना क्या है? राम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन से नंबर के? 48वां, ठीक है। सुशील चंद्र क्या है? कौन से नंबर के? 24वां, ठीक है। और लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव मोदी जी, ठीक है। विमल पटेल क्या है? विधि आयोग के सदस्य है ना, अध्यक्ष नहीं है, सदस्य है। नीना गुप्ता कौन सा पुरस्कार मिला? 2021 पुरस्कार, ठीक है। निशा यादव मिसेस एम मिस इंडिया ग्लोबल 2021, ये क्या बस्तर की है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, बस्तर की बेटी निशा यादव को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए। फिर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कौन? हीरो, ठीक है। भारत के सबसे बड़े दानदाता किस किस नाम? अजीज प्रेम जी। अरुण कुमार मिश्र क्या बनाया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया अरुण कुमार मिश्र। यूपीएससी कौन? जोशी, ठीक है। प्रदीप कुमार जोशी हमेशा जोश में रहते। ठीक है, फिर गिरीश चंद्र मुर्मू, ये देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये पॉलिटी पढ़ा रहा था तो आया था ये बात, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 से 151 तक इसका मेंशन रहता है, कैग, ठीक है। तो ये क्या करता है? ऑडिट करने का काम करता है, ठीक है, पूरे भारत सरकार से संबंधित जितने भी हैं संस्थाएं वो सभी का लेखा जोखा का ऑडिट करने का काम ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोला जाता है इसको। तो अभी कौन है? 14वें नंबर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। 14 नंबर कैसे याद किए? अब ऑडिट रिलेट कर लिए, 14 नंबर कैसे, ठीक है। ऑडिट होता तो बत्ती देते नहीं अकाउंट्स, अब अपने मालूम है हमारा भी ऑडिट हुआ, ठीक है। फिर ये सुनीत शर्मा, सुनील शर्मा है शायद ना, सुनील शर्मा, रेलवे बोर्ड के नवीन अध्यक्ष व सीईओ पद पर नियुक्त किए गए हैं। इन्हें विनोद कुमार यादव के स्थान पर नया पदभार संभाला गया। रेलवे बोर्ड के नवीन अध्यक्ष कौन? सुनील शर्मा। और रवि कपूर संसद टीवी के नवीनतम मुख्य कार्यकारी, इसको हटा दो, रवि कपूर मत याद करो, ठीक है। सुनीत शर्मा यादव रेलवे बोर्ड के नवीनतम अध्यक्ष व सीईओ पद पर नियुक्त किए गए, कौन? सुनीत शर्मा, ठीक है। फिर से चीफ जस्टिस कौन? कौन से नंबर के? 48 के। सुनील चंद्र कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन से नंबर के? ठीक है। पीसी मोदी कौन? राज्यसभा के महासचिव, ठीक है। उसके बाद उत्पल कुमार सिन्हा कौन? लोकसभा के। विमल पटेल कौन? मीना गुप्ता कौन? निशा यादव कौन? पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ, ठीक है। विवेक दोबराय देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, ठीक है। अब देखो इसमें याद
एक विमल पटेल ने बताया विमल से रिलेटेड कानून है तो विधि आयोग क्यों गए। ठीक है, पराग अग्रवाल उस दिन इस फ्लेम क्या जब कंप्यूटर पढ़ा रहा था तो वहां से मैं कंप्यूटर में एक टर्म आता है फ्लेम, आग लगाने वाली बात थी, मतलब कंप्यूटर में अगर ऑनलाइन अगर अभद्र भाषा का बात की सबको क्या बोलते हैं फ्लेम। ठीक है, नेटिकेट जैसे एटिकेट होता है नेटिकेट, फ्लेम मतलब किसी को ऊपर अभद्र भाषा तो फ्लेम मतलब जल जाएगा, सेलेक्ट किया थे तो ऐसी आग लगाया, वहां से रिलेट कर लियो मैं ट्विटर के सीईओ, ट्विटर के भी ट्विटर में भी कमेंट कर करके एक दूसरे को बकते हैं, नहीं बकते हैं। ठीक है, हाँ तो पराग अग्रवाल, ठीक है, टिकट ट्विटर के नए सीईओ। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष तो विवेक देवरा, इसको हीरो से याद कर लेना। अब आर्थिक सलाहकार अब विवेक देवरा है, भले मूवी भी नहीं है लेकिन बहुत अमीर है वो। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां चलती हैं तो अमीर है, वहां से लेट कर लेना विवेक। तो आर्थिक सलाहकार उसी को बना लिया विवेक देवरा को। अजीत प्रेम जी दानी दाता है, ठीक है, इसका नाम सुनती है तो। और अरुण कुमार मिश्र ये मानवाधिकार के, ठीक है, मिश्र से मानव याद रखना, मिश्र से मानव वहां से मिश्र, वहां से मानवाधिकार अध्यक्ष है। और जोशी जो यूपीएससी कौन करेगा, जो जोश में रहेगा, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन, प्रदीप कुमार जोशी जी। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है 14वें नंबर के। ठीक है, सुनील शर्मा रेलवे बोर्ड के नवीनतम सीईओ, ठीक है, अध्यक्ष और सीईओ। इतना क्लियर, इतने को एक बार देखिए। अब देखो जब नेक्स्ट टाइम आप लोग पढ़ोगे ना, अभी फिलहाल उसके अंदर का एक बार पॉइंट रीड कर लीजिए, वो सिर्फ हेल्प करने का काम करेगा, उसका बैकग्राउंड बता देगा अगर किसी के बारे में आगे पीछे कुछ दिया होगा तो। ठीक है, बाकी अब जब पढ़ना है तो इतना 110 पेज है, कैसे याद रखेंगे, हो जाता है याद, आपको मालूम रहना चाहिए क्या पढ़ना और क्या स्किप करना, तो बस ऊपर का हेडिंग याद करना और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी एक बार दो मिनट में रीड कीजिए, दो मिनट। ठीक है, लॉन टेनिस, ठीक है, चार ये ओपन ओपन वाले खेल होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन टेनिस का गेम देखे हो गए, रॉजर फेडरर का नाम सुना तो पहले ये था। अच्छा, जैसे अगर ये पढ़ के गए तो अच्छी बात, पढ़ के तो जाना ही चाहिए क्योंकि पूछता है, छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्जाम्स का तो ये पैटर्न रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब पहले ये रहता था कि अगर किसी के नहीं पढ़ के गए तो एक ही नाम मानना रॉजर फेडरर, वैसे ही फरारी वाले में इसमें 70 पेज में सर वो स्टेटस में भेजा हूँ, इसमें पेज नंबर 70 में दिया हुआ है, जिनके पास किताब है पेज नंबर 70 में देखिए। अब अगर तुक्का मारना हो ना तो एक ही नाम याद रखना लड़कों में, नोवाक जोकोविच, और कौन से देश का है, सर्बिया का, फिर भी अभी याद करा रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ आप लोग, अगर नहीं जानते नहीं देखते, देखता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन पहले एक टाइम था रोजर फेडरर काफी ऊंचे स्थान पे था, नोवाक जोकोविच ने उसका स्थान ले लिया तो वो याद रह गया। ठीक है, इतना क्लियर फिलहाल। वो लॉन टेनिस दिखा मेरे स्टेटस में, नहीं दिखा, बाकी जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं एप्लीकेशन में वो पेज नंबर 70वां में है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा आपको। अब देखो ये इस बार ये क्रम वाइज नहीं दिया है, जैसे चार ओपन होते हैं, मैं अफवाह से याद किया था, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकन, ऐसा कुछ था। अभी अमेरिकन वाला पहले हो गया, ये चेंज हो गया, फिलहाल इसके जो विजेता है उसी को बस याद कर रहा हूँ। ठीक है, किसको हराया वो भी नहीं दिया हुआ, और सिर्फ कौन जीता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको पढ़ते हैं। देखो नोवाक जोकोविच बता दिए, बहुत फेमस प्लेयर है। ठीक है, नोवाक जोकोविच बहुत फेमस प्लेयर है, तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के पुरुषों में सभी में वही जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच, विंबलडन नोवाक जोकोविच। ठीक है, अब इसमें पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता दिया है, और व्यापम का ट्रेंड रहे इसी को पूछ देता है, हालांकि किसको हराया ये भी देता है, इस किताब में नहीं दिया है। ठीक है, इसके अलावा डबल जोड़ी भी खेलते हैं। ठीक है, अभी तो सिंगल है फिलहाल, जो दिया वो याद कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, नोवाक जोकोविच फेमस प्लेयर है, यूएस को छोड़ के बाकी सभी में नोवाक जोकोविच ने जीता, और कौन से देश का वो भी याद रखना, सर्बिया का। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है कौन से देश का है, सर्बिया का। ठीक है, सबको हरा देता है सर्बिया। अब यूएस में कैसे याद रखोगे, यूएस अमेरिका, अब अमेरिका इतना पावरफुल नेशन है तो सबका मदद करता है, मदद करता तो मेदेदेव। ठीक है, मेदेदेव, ठीक है, डेनियल मेदेदेव, ये कहाँ का है, रशिया का। अब देखो अमेरिका रशिया एक कोल्ड वॉर चलते रहता दोनों के बीच। ठीक है, तो अमेरिका जो जीता यूएस ओपन है तो अमेरिका मदद करता है, क्या करना, मेदेदेव। ठीक है, लेकिन वो कौन से देश का है पूछने से, रशिया का। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन कौन जीता, नोवाक जोकोविच। ठीक है, उसके बाद महिला एकल विजेता में आई है। ठीक है, विंबलडन में देखो एशले बाल्टी दिया हुआ है। ठीक है, बाल्टी विंबलडन, बल्डन बाल्टी, बल्डन बाल्टी ऐसा करके लिखना। ठीक है, विंबलडन बाल्टी, तो वो क्या, एशले बाल्टी, बाल्टी बस याद नाम याद रखना चले। ठीक है, अब फ्रेंच ओपन ऐसे याद क्यों, फ्रेंच किस बार बार करने का मन करता है, तो फ्रेंच ओपन बारबोरा। ठीक है,
बारबोरा, वो नाम सरनेम दोनों दिए रहेगा एक साथ, ठीक है। फ्रेंच ओपन किसने? बारबोरा। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कार में जा रहे थे साथ में, याद कराया था ओसाका, वो सच गया वाला याद कराया था, ठीक है, तब रिलेट नहीं करा रहा सामने, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का याद रखेगा नाओमी ओसाका, ये जापान के नाम से ही क्लियर है, जापान, ठीक है। और यूएस ओपन का है राडू कानू, ठीक है, कौन? राडू कानू, ठीक है। इसमें एशले बार्टी का ना याद रखना ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। एशले बार्टी कहाँ की, कौन से देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। इतना ओसाका ओसाका नाम से क्लियर है, जापानी लग रही है, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। क्या बोला फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुरुष में, पुरुष में अब यहाँ क्या नाम देख के समझ नहीं आता कि वो क्या बोलना चाहिए, पुरुष है कि महिला है। बारबोरा क्रेसिकोवा नोआमी ओसाका एशले बार्टी, नाम से समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एम्मा राडू कानू, ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं समझ आ रहा कि महिला है पुरुष है, ठीक है। तो रिलेट करके याद रखना पड़ेगा, पुरुष में कौन जीता सबसे ज्यादा, तीन कौन से देश का सब करा गया, एक यूएस का, बस कौन यूएस क्या करता है, मदद करता है, मेदेदेव, ठीक है। सरनेम याद रखोगे चल जाएगा, मेदेदेव पूरा नाम देता हूँ, मेदेदेव। और मेदेदेव है कहाँ का, रशिया का है, ठीक है। और यूएस ओपन एक जो पुरुष जीता वो रूस का है, और जो महिला जीती वो ब्रिटेन की है, ठीक है, ठीक है, महिला जीती वो ब्रिटेन की है। अब फिर अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो ओसक गया, ऐसे याद कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया आ से ओस आ से ओसकना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओसकना, मैं दूसरे तरीके से याद क्यों, ऑस्ट्रेलिया ओसकना, ऑस्ट्रेलिया ओसकना ऐसे याद कर सकते हो, ओसक गया ओसाका, ठीक है। नाम से क्लियर है नोआमी नाओमी ओसाका, जापान के प्लेयर है, ठीक है, बहुत दिन से ये चर्चे में है वैसे, ठीक। फ्रेंच ओपन बता दिया, फ्रेंच बार बार बारबोरा, ठीक है, बारबोरा वो पीछे का नाम छोड़ दो, क्रेज सिकोवा, क्रेज है, क्रेज है फ्रेंच का, बारबोरा क्रेज सिकोवा, और ये चेक गणराज्य की है। विंबलडन विंबलडन बाल्टी बल्डन बाल्टी का क्या खेले, तो विंबलडन कौन जीता है, एशले बाल्टी, ये ऑस्ट्रेलिया के है, ठीक है, विंबलडन एशले बाल्टी, इतना क्लियर है। लॉन टेनिस याद हुआ, देखिए एक बार, देखिए मन में याद करने कोशिश, ठीक है। अभी नोबल प्राइज याद करा रहा हूँ, जो अर्जुना करंट अफेयर जो बटल हुआ स्टडी मटेरियल में, उसका 54वां पेज है, और मैं स्टेटस में आप लोगों को दिख रहा हूँ, ठीक है, याद करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप नोबल पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, बीच बीच से याद करा रहा हूँ, ठीक है, कोई क्रोनोलॉजी ऑर्डर में नहीं करा रहा हूँ, नोबल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। शांति के क्षेत्र में किसको किसको मिला है, देखो शांति और मारना पीटना दोनों अपोजिट टर्म है, तो दोनों याद, एक मारिक मुरा, तो मुरा टो और मारिक मुरा, मारिक मुरा होता है ना छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, मारिक मुरा हो गए, मारिक मारा हो गए, मारिक मुरा हो गए, ठीक है, मारिक पीटा हो गए, तो मारिक मुरा याद रखना, मारिक मारा से याद रखना मारिक मुरा, तो शांति मारी से मारिया रेसा और मुरा से मुरा टो, तो मारिक मुरा बस याद रखना चल जाएगा, नाम एक का नाम एक का सरनेम, मारिक मुरा तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो, ठीक है, तो मुरा मारिक मुरा याद आ जाएगा, नहीं याद रहेगा, ठीक है। अब देखो रसायन क्षेत्र, रसायन एक शांति क्षेत्र मतलब पीस वाले फील्ड में हो गया, रसायन क्षेत्र मतलब वो केमिस्ट्री में किसको मिला, देखो केमिस्ट्री जब पढ़ते थे, केमिस्ट्री दो चीज होता है, किस दो लोगों की केमिस्ट्री अच्छी जमी ऐसे भी बोलते हैं, क्या होगा ऐसे देख रही है, ठीक है, केमिस्ट्री वो एक वो केमिस्ट्री इससे याद आता है, एक वो केमिस्ट्री याद रखना, और एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाला केमिस्ट्री, ठीक है, उसका पीरियोडिक टेबल का लिस्ट दिया जाता था ना, तो केमिस्ट्री वहां से रखना, केमिस्ट्री से एक लिस्ट से बेंजामिन लिस्ट, खाली सरनेम याद रखना चल जाएगा काम, लिस्ट और केमिस्ट्री दो लोगों केमिस्ट्री अच्छी जम रही मतलब मिलन हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, मिलन, तो एक मैक मिलन और एक बेंजामिन लिस्ट, ठीक है, इसमें याद रहेगा। अब पहला प्राथमिकता इसके जो कौन से फील्ड में किसको मिला वो याद रखना, उसके बाद देश भी पूछ देता है, देश पूछना कब से स्टार्ट किया था, 2017 में फूड इंस्पेक्टर था ना, 2017 में फूड इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था, उसमें पहली बार देश पूछा था, नोबल प्राइज तो इतना याद करके जाते थे सब, लेकिन कौन से देश का ये पूछ दिया था, ठीक है। तो फिलहाल अभी प्राथमिकता क्या, कौन से फील्ड में किसको पुरस्कार मिला हुआ, तो केमिस्ट्री बता दिया, दो केमिस्ट्री ज्यादा मैं सब्जेक्ट वाले केमिस्ट्री से लिस्ट याद रखेगा, पीरियोडिक टेबल वाला लिस्ट तो बेंजामिन लिस्ट, और एक मेल मिलाप होता है केमिस्ट्री वो मैकमिलन, ठीक है। साहित्य लिटरेचर तो इसको गुनाह कर दिया मतलब लिख के गुनाह कर दिया, ऐसे याद कर लिख के लिखना मतलब साहित्य लिटरेचर, तो इसके क्षेत्र में किसको मिला है, गुरनाह को, गुनाह से याद रखना गुरनाह, लिख के गुनाह कर दिया, ठीक है, ठीक। उसके बाद चिकित्सा से, चिकित्सा क्षेत्र में, अब चिकित्सा मेडिकल फील्ड हो गया,
अब चिकित्सा कराने कब जाओगे, जब जल जाएगा, क्या जल जाएगा, कुछ भी जले चिकित्सा कराने जाना है, चिकित्सा के बाद जाना है तो जूलियस, जल जाने से जूलियस, तो याद रहेगा जूलियस, ठीक है। और देखो जैसे एक्सीडेंट वगैरह की वजह से पोटा वोटा निकल जाता है, पोटा तो पोटा से रखना पाटो पाटा पोशियन, ठीक है, पोटा से रखना पोटा और जलना, तो ये क्या है चिकित्सा क्षेत्र में इनको मिला हुआ है जूलियस। फिर से रिपीट करा रहा हूँ, शांति में मारिक मूरा, रसायन में एक लिस्ट और मैकमिलन, साहित्य में गुना कर दिया गुना, और चिकित्सा क्षेत्र में एक पोटा और एक जलना जूलियस, ठीक है। अर्थशास्त्र का देखो लास्ट में फिजिक्स का याद कराता हूँ, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, ठीक है, तो सब पैसे से रिलेटेड है। डेबिट कार्ड याद कर सकते हो, डेबिट कार्ड पैसा, डेबिट कार्ड, ठीक है। कई लोग पैसा देने के लिए आगे रहते हैं, अरे मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, हाँ दे अब वो डिपेंड, हाँ कुछ तो बनवाओ, और डिपेंड करता है, लड़के लड़के जाएंगे तो तू दे तू दे तू दे तू दे, और लड़का लड़की के साथ जाए तो मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी दे, आगे रहता है से रखना एग्रिस्ट, ठीक है, जोशुआ, और जो जोश में रहता है वो आगे आता है, ठीक है, जोशुआ एग्रिस्ट। खैर सर नंबर से याद रखो चल जाएगा काम, एक तो डेबिट कार्ड याद रखना, ठीक है, और नाम जो भी हो डेबिट कार्ड याद रख लीजिएगा, और क्या आगे से एग्रिस्ट और इम्बेंस याद रखना, ठीक है, इम्बेंस इकोनॉमिक्स का इम्बेंस, ठीक है, डेबिट कार्ड एग्रिस्ट और इम्बेंस, इतना क्लियर। याद हुआ फिर से देखो, शांति में कौन था, मारिक मोरा था, एक बार इधर ध्यान देना, मारिक मोरा, शांति मारिक मोरा याद रखना, वहां याद आ जाएगा, ठीक है, और वहां मारिक मोरा कर ही देना, ठीक है, याद नहीं आता मारिक मोरा याद रहेगा, एक मारी से मारिया रेसा और मोरा से मोराटो, रसायन का केमिस्ट्री का दो चीजें, एक तो मिलने मिल मिला पाला केमिस्ट्री, तो मैकमिलन और लिस्ट याद रहेगा, बेंजामिन लिस्ट, लिख के गुनाह कर दिए, साहित्य क्षेत्र में कौन गुनाह गुनाह, चिकित्सा क्षेत्र में जलिया जल गया जूलियस, पोटा वोटा निकल गया, ठीक है, पोटा पाटा पोशियन, इकोनॉमिक्स में तो डेबिट कार्ड से याद किए, आगे रहते पैसे देंगे एग्रिस्ट, फिर इम्बेंस याद रखना, ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिक क्षेत्र में ऐसे याद किया हूँ मैं, आप देख लीजिए, मतलब फिजिकल होने के लिए मन कर रहा है और पैर पकड़ रहे हैं ऐसा लेट कर लिया, ठीक है, तो मन कर रहा है मनाबे, ठीक है, मना रहे मन कर रहा है मनाबे, ठीक है, और हैसलमैन वो भी मन मन से रखना, मनाबे हैसलमैन और पैर पकड़ रहे हैं पेरिसी, ठीक है, तो फिजिक्स कैसे रखना, मनाबे हैसलमैन और पेरिसी, छह फील्ड में मिलता है नोबल पुरस्कार, क्लियर। 2020 वाला याद नहीं रखना है, 2021 का याद रखना, इतना क्लियर। युवा अब किस किस क्षेत्र में मिला वो देखते हैं, शांति क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु इन लोगों को मिला हुआ, ये पूछ दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में किस लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सुरक्षा हेतु इन लोगों को मिला, ठीक। उसके बाद ये रसायन क्षेत्र में एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस उत्प्रेरक का विकास के शोध हेतु, ठीक है। फिजिक्स के साहित्य के क्षेत्र लिटरेचर के क्षेत्र में किसने उपनिवास के प्रभावों को स्पष्ट करने एवं महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों की स्थिति को उजागर किया, चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने शरीर के तापमान व स्पर्श के लिए रिसेप्टरों की खोज की। भौतिक क्षेत्र में मनाबे एवं हैसलमैन ने पृथ्वी जलवायु की भौतिक मॉडलिंग एवं ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया। और पेरिसी ने क्या किया, पेरिसी ने परमाणु से लेकर ग्रहों की भौतिक प्रणालियों में होने वाले तीव्र परिवर्तन व विकार को स्पष्ट किया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबको देखो, डेबिट कार्ड का योगदान क्या था, रोजगार और श्रम बाजार को प्रभावित करने में, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा, आप्रवासन की भूमिका पर अध्ययन किया, इन्होंने रिसर्च किया। जोशुआ और गोइडो इम्बोन्स का योगदान क्या था, तो प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के सटीक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं, ये सारी बात में इसने रिसर्च किया। एक बार रीड मारने की जरूरत है बस, और उसको फोकस नहीं करना, याद रह जाए याद रह जाए, वो याद रह जाएगा, बाकी फोकस क्या करना है, ये कौन से फील्ड में किसको पुरस्कार मिला, ठीक है। देखो इतने को वो स्टेटस जो देख रहे हैं वो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं खैर पीडीएफ बना के भेज दूंगा।
स्टेटस में डाल रहा हूँ फोन, क्यों डाल रहे हैं म्यूट कर देंगे, कोई स्टेटस कुछ भी डालते रहो। अब चर्चित पुस्तकें याद करा रहा हूँ, ठीक है, इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? आपके पास कौन सी किताब है? कोई नई वाली क्यों ना, अभी बुक वाला बताऊंगा 56 में 56 जिनके पास है वो देख लीजिए। जी क्लियर, देखा स्टेटस नहीं दिखा? ठीक है उसमें भेज देता हूँ 100 क्लास में। चलिए पहला नासिरा शर्मा शब्द पखेरू लिखी हुई है, ठीक है, नासिरा शर्मा शब्द पकेरू, इसको नॉर्मली याद रखना। बाकी आगे देखो, माधव भंडारी अयोध्या, अयोध्या राम भगवान से संबंधित, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब माधव, तो माधव भंडारी किस क्या लिखा? अयोध्या लिखा। अयोध्या को कैसे रेट करोगे? माधव से याद कर लेना, अयोध्या मतलब राम, राम मतलब माधव, तो माधव भंडारी लिखा किसने? अयोध्या ने, अयोध्या ने लिखा माधव भंडारी, माधव भंडारी ने लिखा अयोध्या। अमेरिका बटा हुआ देश, बट गया मतलब विनाश हो गया, तो अविनाश कल्ला, ठीक है, अविनाश कल्ला ने क्या लिखा? अमेरिका 2020 बटा हुआ देश, ठीक है। समाज जिसमें मैं रहता हूँ, ये नरेंद्र कोहली, कौन है ये? विराट कोहली का भाई, कौन? नरेंद्र कोहली, तो वो भी समाज में रहता नहीं रहता, समाज के बहिष्कृत कर दिए। तो समाज जिसमें मैं रहता हूँ, कौन लिखा? नरेंद्र कोहली। नासिरा शर्मा क्या बोल रहा हूँ? शब्द पखेरू, ठीक है, पखेरू मतलब क्या होता है? क्या होता है वो? परखच्चे उड़ जाना वाला, बोलो। ठीक है, शब्द पखेरू कौन? नासिरा शर्मा, ठीक। अयोध्या को कैसे लिख किया? माधव से लिख कर लिया, माधव भंडारी, अयोध्या मतलब राम, राम मतलब माधव, तो अयोध्या कैसे लिखा? माधव भंडारी। अमेरिका बटा हुआ देश, बट गया मतलब विनाश हो गया, अविनाश कल्ला। समाज जिसमें मैं रहता हूँ, कौन रहता है? विराट कोहली का भाई नरेंद्र कोहली। देखो सलमान खुर्शीद, सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, अयोध्या फिर वही हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा का केंद्र है वहां पे, ठीक है, तो एक मुसलमान ने लिखा है, सलमान खुर्शीद ने लिखा है, कौन सा? सनराइज ओवर अयोध्या, ये भी याद रहे। खाली अयोध्या माधव भंडारी, सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद, ठीक है, इतना रहेगा। उसके बाद आप आइए, शशि थरूर, प्राइड प्रिजुडाइज एंड पंडर्टी द एसेंशियल, ठीक है, नाम एकदम बड़ा बड़ा इंग्लिश वाला हो गया। शशि थरूर का इंग्लिश तगड़ा है, मालूम है क्या? शशि थरूर को जानते हो? नहीं जानते, तो उसका इंग्लिश तगड़ा है, अगर ये जानते हो तो याद रह जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। प्राइड प्रिजुडाइज एंड पंडर्टी द एसेंशियल, ये शशि थरूर ने लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। स्मृति जुबिन ईरानी, कोई भी स्मृति नाम के या इसी को याद कर लेना, उसका लाल कर दिए, ऐसे याद करना, लाल सलाम स्मृति जुबिन ईरानी ने लिखा, ठीक है, लाल सलाम किसने लिखा? स्मृति जुबिन ईरानी ने। द क्रिसमस पिग, द क्रिसमस रोल करके याद रखना, द क्रिसमस रोल क्या रखोगे? द क्रिसमस पिग नहीं, द क्रिसमस रोल, तो रोल से रोलिंग याद रखना, द क्रिसमस पिग किसने लिखा है? रोलिंग ने, ठीक है। आर्चर, आर्चरी क्या होता है मालूम? तीरंदाजी, ठीक है, आर्चर वो हो गया इधर उधर, आर्चरी वो तीरंदाजी को बोलते नहीं, आर्चरी नहीं बोलते, ठीक है। तो देखो अब आर्चरी, उड़ता हुआ आर्चरी अगर लगा उड़ता हुआ तीर लिया तो मर जाओगे, नहीं मर जाओगे, ठीक है। ओवर माई डेड बॉडी किसने? जेफरी आर्चर ने, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे इतिहास में जो आंख बंद करके भी निशाना लगाते थे, एक लगाए दशरथ जी, वो किसको मार दिए? सरवण को मार दिए बेचारे को, टर्न ऑफ ब्लाइंड आई मतलब आंख ऐसा ब्लाइंड आई करके मारे, नहीं मारे। पृथ्वीराज चौहान भी ऐसे ही था, उसके पास भी पावर था, मतलब सिर्फ सुन के निशाना लगा सकते थे, ब्लाइंड आई से निशाना लगा सकते थे। और मोहम्मद गौरी को मारा भी वैसे ही,
अंधा कर दिया था जब उसको रॉड घुसा दिया था हाथ में, अंधा हो गया था, फिर उसे सुन के निशाना लगाया। तो वैसे वो भी क्या आर्चरी से याद कर सकते हो, तो जेफरी आर्चर ने दो किताब लिखे हुए हैं, एक है द ओवर माई डेड बॉडी और दूसरा टर्न ऑफ ब्लाइंड आई, नीचे मिलेगा आपको, ठीक है, क्लियर, ठीक। रामनाथ कोविंद अभी राष्ट्रपति हैं, लोकतंत्र के स्वर्थ, देखो लोकतंत्र लोगों की लोक कल्याण ये सब जो शपथ लेते हैं करके उस दिन बताया था पॉलिटी में, तो वहां से लोकतंत्र डेमोक्रेटिक ऐसे लेट कर सकते हो, प्रेसिडेंट लिखे हैं, लोकतंत्र के स्वर किसने लिखा है, रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, अगर ये किताब के बारे में नहीं पढ़े होते और चार ऑप्शन दिया था तो बिल गेट्स को तो टिक मारते ही नहीं, क्यों, अरे वो कहाँ वैसे बिजनेसमैन और ये क्लाइमेट डिजास्टर ऐसा सोचते, ठीक है, लेकिन लिखा किसने, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, बिल गेट्स ने। शुरुआत में ये नासिरा शर्मा शब्द पर केरो लिखा हुआ है, अयोध्या मतलब राम, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब माधव, तो माधव भंडारी अयोध्या, अमेरिका 2020 बटा हुआ देश मतलब बटा हुआ मतलब अविनाश कल्ला, समाज जिसमें मैं रहता हूँ विराट कोहली का भाई नरेंद्र कोहली, सनराइज और अयोध्या सलमान का, ससे सनराइज ससे सलमान ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है, और अयोध्या जस्ट अपोजिट में सलमान खुर्शीद, सनराइज ओवर अयोध्या, फिर प्राइड प्रेजुडाइस पंडिटी द एसेंशियल केस शशि थरूर, फिर स्मृति का लाल कर दिए, ठीक है, लाल सलाम स्मृति जो भी निरानी लाल सलाम, ठीक है। द क्रिसमस रोल करके याद किए, द क्रिसमस रोल, द क्रिसमस भी किसने किया, रोलिंग ने का, फिर जेफरी आर्चर ने क्या दो किताबें लिखी, एक तो उड़ता तीर लोगे तो मर जाओगे, ओवर माई डेड बॉडी और क्या, ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, जेफरी आर्चर, ठीक है, ये एक मुहावरा भी था, क्या मतलब बताया था आइडियल फ्रेजेस में, टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा करना बताया था, ठीक है, इतना क्लियर, और कल समझा, रामनाथ कोविंद देखे लोकतंत्र के स्वर, ठीक है, एक वो बचा हुआ डेमन गुलगुट गलगुट, ठीक है, प्रॉमिस, अब ये प्रॉमिस कैसे करते हो, गला वाला ऐसे पकड़ के प्रॉमिस, ठीक है, माँ का सम नहीं बताऊंगा फिर, दोनों बोलते माँ का सम खानी बताएगा वो ऐसा, ठीक है, तो गलगुट गला पकड़ के प्रॉमिस करते कि नहीं करते, तो गलगुट क्या लिखा है, द प्रॉमिस, ठीक है, इसको बुकर प्राइज भी मिला, ये पूछा भी था यार उसमें अभी किसी एग्जाम में पूछा था, बुकर प्राइज मंडी में पूछा था सर, बुकर प्राइज 2021 में जीता डेमन गलगुट, क्लियर, और क्या बचा, ये हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स पढ़ा, नीना गुप्ता देखो सच कहूं तो, वो आत्मकथा है बायोग्राफी शायद उसका नाम, पूरा किताब का नाम है सच कहूं तो, अब सच कहूं कि गुप्त रखूं तो सच कहूं किसने रखा, ठीक है, किसने, नीना गुप्ता ने, ठीक है, नीना गुप्ता ने क्या बोला, सच कहूं तो, ठीक है, फॉरेन अफेयर, जैसे अफेयर चलता बोलती नहीं, मतलब किसी साथ चक्कर चल रहा है, तो कौन सी किसके साथ, टूरी के साथ, टूरी के साथ अफेयर चल रहा है, और कौन सी टूरी, फॉरेन टूरी, ठीक है, तो टूरी से रखना लूरी, ठीक है, लूरी ने क्या लिखा, फॉरेन अफेयर, ठीक है, अफेयर चल रहा है फॉरेन टूरी के साथ, तो टूरी से रखना लूरी, फॉरेन अफेयर्स, करंट अफेयर चल रहा है, करंट में अभी अफेयर चल रहा है, इतना याद करिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, इधर टाइम नहीं है, फिर आज के बाद और कब टाइम मिलेगा, पता नहीं, एग्जाम हो जा रहा है, कहाँ पहुंचे, दूरी तक हुआ था, आर्चर भी हो गया था ना, ये नीचे से देखो शंखघोष, देखो शंखघोष से पहले कुतुबुद्दीन देखो, डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन देखो, कुतुबुद्दीन नाम ही हो, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़े थे, ठीक है, घोड़ा से गिर के मर गया था, कुर्दुक कुर्दुक क्या 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 था क्या था, कुतुबुद्दीन तो उन लोग बाहर के थे, अरेबिक थे, ऐसा रिलेट कर लेना, भले कहीं का भी रहा हो, तुर्की था लेकिन अरेबिक, तो किताब देखो अरेबिक ओरेशन किसने लिखा, कुतुबुद्दीन, बिली जिन किंग, ऑल इन, ऑल इन मतलब सबको अंदर आने द्वारा जो डायलॉग था, अब जो सबको अंदर आने दे रहा समझ लो क्या बोल, किंग है वो, ठीक है, ऑल इन बिली जिन किंग, ऑल इन बिली जिन किंग, जो सबको अंदर आने दे रहा वो क्या है, किंग है, ठीक है, तो बिली जिन किंग क्या लिखा, ऑल इन, अब ये रवि शास्त्री द प्लेयर इन माई लाइफ स्टार गेजिंग, रवि शास्त्री के बारे में सुनो, कौन है, कमेंटेटर है, कमेंट्री करते थे, खिलाड़ी भी था क्या, नहीं था, अभी कोच है, ठीक है, तो प्लेयर था, प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हो, प्लेयर इन माय लाइफ रवि शास्त्री,
ठीक है, कमेंट्री भी करते थे कि नहीं करते, ठीक है। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माय लाइफ रवि शास्त्री से याद कर सकते हो जी। मोदी इंडिया कॉलिंग, ठीक है, चांद मल कुमावत है ना, मोदी अब चांद है भाई, अब कई लोग उसको चंदो बोलेंगे, कई लोग चांद बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे याद करना कर सकते हो, मोदी इंडिया कॉलिंग चांदमल कुमावत, ठीक, इतना याद रखना। फिर द जजेस लिस्ट, इसको जॉन क्रिस्टम नॉर्मली याद रख लीजिएगा। और क्या बचा, सुंदरलाल धरती की पुकार भू प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर, ये सब क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड किताब लिखा हुआ है, एक धरती की पुकार और भू प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन। तो सुंदर धरती से याद रख लेना, सुंदर धरती और उसी में ही भू प्रयोग के बुनियादी परिवर्तन की ओर, ठीक है। तो धरती की पुकार भू प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर, ये किताब किसने लिखी, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर धरती करके याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और क्या बचेगा, लास्ट शंख घोष। अब देखो शंख बजाते हैं तो शंख बजाने से सीन याद करना, एक तो युद्ध होता है तो, और प्रार्थना पूजा प्रार्थना करते हैं तो बजाते शंख, ठीक है। तो अब जिस भी केस में बजाए, देखो एक तो बाबरेर प्रार्थना, तो प्रार्थना किए शंख बजाए, ठीक है। फिर जैसे पाठ पूजा हो रहे, कल्याण हो, शंख बजा रहे, तो सप्त कल्याण आगे दिया हो, सप्त कल्याण, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब हाँ, दिन गुली रात गुली, ऐसे शंख बजा रहे हैं और दिन में रात में गुली गुली कर रहे हैं, ठीक है। तो दिन गुली रात गुली और आगे गुलमय, दिन में गुली गुली कर रहे हैं, रात में गुली गुली कर रहे हैं और गुलमय हो जा रहा है, ठीक है। तो किसने लिखा, शंख घोष ने, ठीक है। और मूर्खो बारो, अब देखो इसको भी ऐसे करते हैं, शंख मतलब वही शंख बजा रहे, पाठ पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो मूर्ख लोग मतलब मेहनत करना छोड़ के पाठ पूजा, ठीक है। एक अभी बहुत वायरल हुआ था एक मीम, जो भागवत वगैरह कथा कराते हैं, वो पढ़ के नहीं भी गए हो तो बेलपत्ता में क्या कुछ लगा के चढ़ा देना भगवान में, तो भी पास हो जाओगे, एग्जाम निकल जाएगा। एक भागवत कथा कराने आए थे यहाँ, उनका उनका नाम नहीं लेना, उसके भक्तगण मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो वायरल हुआ था ना मीम, तो ऐसे क्या है, ऐसे लोग मूर्ख है जो सिर्फ ये प्रार्थना कर रहे हैं, पास हो जाएंगे, पास हो जाओ, पास करा दो, पास करा दो, पास करा दो, और पढ़ नहीं रहे, तो ऐसे लोग भी क्या है, मूर्ख है। तो प्रार्थना से वही शंख सी लटके थे, और मूर्ख मूर्खों बारो, तो शंख घोष कैसे प्रार्थना से याद किए, मूर्खों से लटके थे, दिन में रात में शंख बजा के गुली गुली कर रहे हैं सर, ठीक है। और गुलमय हो जा रहा है जीवन, तो गुलमय, और कल्याण एक आदि मलता याद रख लेना, आदि मलता, ठीक, इतना क्लियर। ये सारी किताब देख ली हम लोगों ने, ठीक, और कुछ बच गया इसमें से, अच्छा ठीक है, नितिन राकेश व जेरी जेरी विंड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जेरी विंड, विंड मतलब हवा, हवा बदलता है, रुख बदलता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, विंड, ठीक है, क्या जेरी विंड, नितिन राकेश व जेरी विंड, विंड आया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हवा का रुख बदला, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस ये हुआ, और कौन सा छूटा था ऊपर, अमिताभ घोष को याद रखिए, द नाथ मेक्स कर्स पैरेबल्स फ्रॉम प्लैनेट इन क्राइसिस, ये क्या है पता नहीं, देख अमिताभ घोष ने लिखा हुआ है, क्लियर। और एक शंख घोष अलग है, उसको शंख बजाने से याद करना। चर्चित पुस्तकें याद हुआ क्या, एक मिनट दे रहा हूँ, एक मिनट में पूरा रिवाइज कीजिए। चलिए स्टेटस में देखो, 32वां टोक्यो ओलंपिक दिख रहा है, और जो जिनके पास किताब है पेज नंबर 57, अर्जुना करंट अफेयर का पेज नंबर 57, इंपॉर्टेंट ओलंपिक। ठीक, अब ये ओलंपिक ओलंपिक नहीं करना, आप बोलना 32वां टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हो, 32वां टोक्यो ओलंपिक, तो दो चीजें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ओलंपिक कौन से नंबर का, 32वां कहाँ हुआ, तो टोक्यो, टोक्यो कहाँ है, जापान में, इतना याद है, ठीक है। तो मेजबान देश कौन था, टोक्यो जापान। ओलंपिक क्रम कौन, 32वां याद हो गया। आयोजन तिथि छोड़ दो, नहीं याद रखना, ठीक है। कुल प्रतिभागी देश 205 याद कर सकते हो, ठीक है, 205 लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। खेल कितने थे, 33, एक एक बार रीड मारना। आदर्श वाक्य इसको याद रखना, यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक, ये क्या है, कोरोना का समय था, सब
क्या कोरोना का समय था, ठीक है, सब उसी से यूनाइट हो गए, ठीक है, यूनाइटेड भाई इमोशन। ये शुभंकर याद रखना, मिराई तो वह शायद वो जो चिन्ह विन्ह बने रहता उसी को ही बोलते हैं शुभंकर, उसी को ही बोलते क्या रिंग को, उसमें कोई नहीं, वो एक ठीक है मिराई तोवा याद रखना, मिराई तोवा जापानी इंडिगो ब्लू रंग पैटर्न, ठीक है मिराई तोवा शुभंकर याद रखना मिराई तोवा। और उद्घाटन किसने किया था, नारू हितो, जापान के सम्राट ने किया, ठीक है जापान का सम्राट कौन, नारू हितो, ठीक है नारू हितो। फिर मशालधारी कौन थी, नाओमी ओसाका। एक बार रीड मान लेना अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, याद रखता है, याद हो जाता तो ठीक, बाकी याद कहाँ से करना है, आगे आइए। इधर ध्वजवाहक कौन कौन थे उद्घाटन समारोह में, मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज, ठीक है, और मनप्रीत सिंह, ये हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, ये दो लोग थे, ठीक है। समापन किसने किया, बजरंग पुनिया ने किया, ठीक है। अब पदक तालिका में भारत की स्थिति एकदम इंपॉर्टेंट रखना, एक दो चार रखना, कैसे, एक दो चार, एक दो चार, तो स्वर्ण एक, रजत दो, ब्रॉन्ज चार, कांस्य चार, टोटल कितने पदक, सात, ये पूछा जा चुका है, रैंक भी पूछा जा चुका है, 48वां ओलंपिक में भारत का कितना रैंक रहा, 48वां। जस्ट इसका आधा करोगे कितना आएगा, 24, तो 24 रैंक किसमें था, पैरालंपिक में, वो जो डिसेबल लोग के लिए जो रहता है ना पैरालंपिक, उसमें 24वां रैंक है, आगे आएगा वो भी, ठीक। तो भारत का कितना स्थान, 48वां, एक दो चार, कितने पदक मिले, एक दो चार, 1+2+4 कितने, सात हुए। पहला एक किसमें, वो नीरज चोपड़ा था, भाला फिर, ठीक है, ठीक है कुछ मैडम, नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो एक और रजत कौन, दो, और कान से चार, टोटल कितने पदक हुए, सात, तो याद रखना एक दो चार, ठीक। और रैंक कौन सा, 48वां। अब इसमें याद किसके बारे में रखना, नीरज चोपड़ा हरियाणा का है, भाला फेंक जेवलिन थ्रो बोलते हैं, ठीक। स्वर्ण जीता, कितना मीटर भाला फेंका, 87.8 मीटर, अगर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, बस इसको इतना रखना कि किसमें भाला फेंक में मिला स्वर्ण पदक मिला, ठीक है, नीरज चोपड़ा जी को, ठीक। फिर मीरा भाई चानू, ये मणिपुर की है, ये वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन वेट लिफ्टर है, ठीक है। इनको क्या रजत पदक मिला, तो एक गोल्ड का याद कर लिए, किसको मिला, नीरज चोपड़ा को, और ये सिल्वर किसको, मीराबाई चानू, और ये रवि कुमार दहिया, ये दहिया किसमें, फ्री स्टाइल कुश्ती में इनको मिला, किसको, रवि कुमार दहिया को, कितने याद आएगा। बाकी हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है, ब्रॉन्ज, ठीक है, चार लोगों को कांस्य मिला हुआ है, गोल्ड किसको, एक तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, और दो लोगों को रजत, सिल्वर एक आपका वेट लिफ्टर थी कौन, मीराबाई चानू, और एक रवि कुमार दहिया, ठीक है, फ्री स्टाइल कुश्ती है। फिर चार जो ब्रॉन्ज मिला हुआ है वो उसमें से एक तो हॉकी टीम है, ठीक है, हॉकी, उसके कप्तान कौन, मनप्रीत सिंह, ये ध्वजा ध्वजवाहक थे, ठीक है, स्टार्ट किए थे, एक मुक्केबाज थी मैरी कॉम, और ये मनप्रीत सिंह थे, इन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक, ठीक है। उसके बाद बजरंग पुनिया, ठीक है, ये भी फ्री स्टाइल कुश्ती कांस्य पदक जीते। फिर लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये मुक्केबाज हैं, ये भी कांस्य पदक जीते। पीवी सिंधु, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी है, कांस्य पदक जीते, ठीक है। इसमें दो तो आसानी से याद रह जाएगा, पीवी सिंधु भी बहुत चर्चे में थी पिछले 2-3 साल से, ठीक है, तो बैडमिंटन की विजेता है, खिलाड़ी है, कांस्य पदक, ठीक है, पीवी सिंधु, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम जीता। बाकी दो का नाम लवलीना बोरगोहेन और बजरंग पुनिया, ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये ओलंपिक वाला पार्ट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत से रिलेटेड। बाकी कौन से नंबर का था, 32वां, कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में, ठीक है, उसके उद्घाटन किसने किया, नारू हितो, जापान के सम्राट ने, ठीक है, इतना भारत का रैंक 48वां था। पहला कौन आया यार ना, अमेरिका, पहला कौन आया, अमेरिका, 113 पदक जीते टोटल, 113, ठीक है। फिर ये सब याद नहीं रहना, भारतीय ओलंपिक संघ और ये इसको कितना कितना रुपया लाख मिला, एक बार रीड मार लेना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 75 लाख गोल्ड वाले को, 40 लाख सिल्वर, और 25 लाख कांस्य पदक, ठीक। इसको याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में नवीन शामिल खेल, कुछ कुछ खेल को शामिल किए हैं, उसको देखिए,
स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्ड, कराटे, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। ठीक है, ये छह खेल हैं जिनको स्टार्ट किया, इनमें से किसको शामिल नहीं किया पूछा जाता है। ठीक है, किसको शामिल किया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्ड, कराटे, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। सा से तो चार सही सा है। ठीक है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्ड और सॉफ्टबॉल, फिर कराटे है और बेसबॉल। ठीक है, याद रहेगा कराटे को शामिल किए हैं, याद रखना कराटे को भी ओलंपिक में शामिल किए हैं। सा से चार है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्ड और सॉफ्टबॉल। सॉफ्टबॉल के बाद बेसबॉल याद रखना। ठीक है, और बेसबॉल के बाद लास्ट किसको, कराटे। इतना याद रहेगा, बस इसमें इतना याद रहना। 16वां टोक्यो पैरालंपिक, 32वां टोक्यो ओलंपिक और 16वां टोक्यो पैरालंपिक। 32 का आधा कितना, सब आधा आधा। ठीक है, 48वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे, रामन्ना। और आधा करके क्या आ रहा है, 24वां कौन था, हाँ सीसी थे, सुशील चंद्र। ठीक, वैसे ही भारत का स्थान कौन सा रहा ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में उसका आधा 24वां याद रहेगा। ठीक है, 32वां टोक्यो ओलंपिक था जस्ट, उसका आधा 16 पैरालंपिक है, वो भी टोक्यो में हुआ। ठीक है, इसके शुभंकर है सुमाइटी। ठीक है, सुमाइटी ओलंपिक क्रम 16वां है, ये याद रखिएगा। अब पदक तालिका में देखो भारत को कौन सा स्थान मिला, 24वां। ठीक है, 24वां। कुल पदक कितने जीते, 19। कुल पदक कितने जीते, 19। 5, 8, 6, 5, 8, 6, 8, 5, 13 हुआ, 13, 6, 19 हुआ। उसमें एक दो चार था, इसमें 5, 8, 6 है। उसमें एक दो चार था, इसमें 5, 8, 6। तो स्वर्ण पदक 5 जीते किसमें, पैरालंपिक में। ठीक है, याद रहेगा ये पैरालंपिक में, बस इतना याद रखना। ठीक है, पैरालंपिक में बस इतना याद रखना, फिर से बता रहा हूँ। जो 48वां रैंक नॉर्मल ओलंपिक में जीते, 1, 2, 4। ठीक है, टोटल 7 पदक। पैरालंपिक में जस्ट 48 का आधा करना, 24 और 5, 8, 6, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 19। ये ओलंपिक से रिलेटेड इतना ही पॉइंट बस याद रखना। और 33वां आपका पेरिस फ्रांस में होगा 2024 में। इतना देखिए एक बार, चलिए आगे कंटिन्यू करो। खेल वाले देख रहे हैं तो खेल वाले को खत्म करते हैं। ठीक है, ओलंपिक हो गया, ओलंपिक इंपोर्टेंट था, अब उसमें इतना याद रखना। अब बता रहा हूँ, उसमें फोटो नहीं भेज रहा हूँ, बस इधर सुन लीजिए जो इम्पोर्टेंट है खेल में, और जितने बच गए जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। इसका फिर पूरा स्कैन करके वो उसमें जिसके पास नहीं है उनके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, बाद में देख लीजिएगा। एक 2020 मैच चला क्रिकेट का, वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप, ये आपका 65 में जिनके पास चला। ठीक है, जीता कौन ऑस्ट्रेलिया, हरा कौन न्यूजीलैंड। अब जो क्रिकेट देखता हूँ उनको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जीता, न्यूजीलैंड हारा। ठीक है, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे डेविड वार्नर, और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच मिशेल मार्श, दोनों ऑस्ट्रेलिया के। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर और ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श मैन ऑफ द मैच है। ठीक है, आईपीएल में डेविड वार्नर किधर खेलते हैं, वो पूरा मैच चला दिया जब पैसा लगाया। पानी बटल बटवा दिया देश का। तो डेविड वार्नर, ठीक है, और मिशेल मार्श मैन ऑफ द मैच, और डेविड वार्नर प्लेयर ऑफ द सीरीज। फिर भी बोल रहा हूँ, जो क्रिकेट देखता होगा अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया जीता, न्यूजीलैंड हारा, क्लियर। फिर भारत और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चला, उसमें भारत जीता 2-1 से। ठीक है, भारत जीता कैसे, 2-1 से, उसको याद करना। फिर आईपीएल चला, कौन जीता, चेन्नई सुपर किंग, और हारा कौन, केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है, ऑरेंज कैप किसके लिए होता है, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, ऋतुराज गायकवाड़ किससे खेलता था, चेन्नई। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, ये भी कौन, ऋतुराज गायकवाड़। पर्पल कलर उसको मिलता था, पर्पल कैप, विकेट जो ज्यादा ले रहा है ना, ज्यादा विकेट। ऑरेंज कैप जो रन मार रहा है, ठीक है, और विकेट ले रहा है, हर्षल पटेल को मिला है, ये बैंगलोर का खिलाड़ी है, और आज चले जाए बैंगलोर। तो आईपीएल गेम चेंजर ऑफ द सीजन ये भी हर्षल पटेल, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी हर्षल पटेल। ठीक है, आईपीएल जो फाइनल मैच चला उसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला, फाफ डू प्लेसिस, 86 रन मारा था। ठीक है, इसका याद ना। बाकी जो अब आईपीएल देखता होगा
इसके अलावा जो पॉइंट है उसको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, जैसे प्लेयर सबसे अच्छा कैच किसने जीता, रवि बिश्नोई, ठीक है, परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन रवि बिश्नोई, पावर प्लेयर ऑफ द सीजन वेंकटेश्वर अय्यर, ये सब याद न करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना जो नहीं देखता वो उनको बस क्या याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया जीता, ऑस्ट्रेलिया बोलता हूँ, चेन्नई सुपर किंग जीता और कोलकाता हारा, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग जीता और कोलकाता, ये दशहरा दिन हुआ था सर, दशहरा दशहरा था उस दिन, दिवाली दशहरा था, दशहरा था ना, ठीक है। तो ऑरेंज कैप कौन, ऋतुराज गायकवाड़, और वही इमर्जिंग प्लेयर भी है ऋतुराज गायकवाड़, जो विकेट जा सबसे ज्यादा लेने वाला हर्षल पटेल, इसको पर्पल कैप मिला, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी और गेम चेंजर ऑफ द सीजन, ठीक है। आईपीएल में इतना याद रखने, बाकी जो पड़ा हुआ है जो मैच देखते हैं वो सबको याद रहेगा, सब चीज याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट साल से कितने प्लेयर भाग लेंगे, 10, अभी 8 खेलते थे, अभी 10, हाँ 10 टीम, ठीक है, 10 टीम में, क्लियर। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहला 18 से 23 जून तक चला था, इसमें भी कौन जीता, न्यूजीलैंड जीता, ठीक है, कैप्टन कौन था, केन विलियमसन, और उपविजेता था भारत, ठीक है। 2020 में पहला कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का, या इतना क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया, और हारा कौन, और ये है टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड, इसमें न्यूजीलैंड जीता और भारत सेकंड वाले में था, ठीक है। आईपीएल में कौन, चेन्नई सुपर किंग्स जीता, हारा कौन, केकेआर, इतना याद रहेगा। और वो इंग्लैंड और भारत का जो टेस्ट सीरीज हुआ उसमें कौन जीता, भारत जीता 2-1 से जीता, इतना क्लियर, ठीक है, बस इतना याद रखना, ठीक है, ये क्रिकेट वाले में इतना, ठीक। अब जो बताऊँ आपको ध्यान में रह जाएगा, उसके देखिए फुटबॉल, अब फुटबॉल जो है SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ऐसा कुछ है ना, SAFF साफ, तो साफ से रखना, SAFF साफ, एक तो साफ सफाई रखना है तो ढकना पड़ता है खाने वाने को, ढाका बांग्लादेश में ये हुआ है, मेजबान देश कौन था, ढाका बांग्लादेश, साफ, लेकिन ये कौन सा है, महिला वाला ढाका बांग्लादेश में हुआ है, ठीक है, महिला वाला जो फुटबॉल चैंपियनशिप है अंडर 19, साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, तो ज्यादा साफ सफाई का ध्यान कौन रखते हैं, महिलाएं, ठीक है, तो दो चीज से साफ सफाई से अगर साफ सफाई ढक के रखोगे और एक माल साफ कर दिया करके ना, तो माले मालदीव में भी साफ फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ, लेकिन वो पुरुष वाला है, ठीक है, पुरुष वाला कहाँ हुआ, माले, ठीक है, माल मालदीव, ठीक है, और महिला वाला ढाका बांग्लादेश, ठीक है, जीता भी बांग्लादेश अंडर 19 वाले को, जीता भी बांग्लादेश, ठीक है, और नॉर्मल फुटबॉल चैंपियनशिप था साउथ एशिया वाले, उसको फुटबॉल जीता, क्या कहते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल फुटबॉल जो पुरुष वाला है उसमें इंडिया जीता, और जो महिला वाला था ढाका बांग्लादेश में जो हुआ था उसको बांग्लादेशी जीत गई, ठीक है, इतना क्लियर, उसमें भारत सेकंड में आया था, इतना क्लियर। अब जो फीफा अंडर 17 होने वाला था वो भारत में होने वाला था, नहीं हो पाया, 2022 में होगा, बस इतना था, मेजबान देश कौन है उसका, भारत था, लेकिन अब नहीं हुआ, मतलब 2022 में होगा ये, 2021 में होना था, नहीं हुआ, इतना क्लियर। डूरंड कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है, इतना याद रखना, डूरंड कप किस रिलेटेड है, फुटबॉल से, ठीक है। फिर ठीक, फुटबॉल में इतना याद रखना, और बैडमिंटन वगैरह छोड़ दो, फुटबॉल में क्या क्या बताया, एक तो साफ अंडर 19 फीमेल वाला है, महिला वाला ढाका बांग्लादेश, ढक के रखना है, साफ रखना है तो खाना ढक के रखोगे ढाका बांग्लादेश में, लेकिन ढाका वाला किससे रिलेटेड है, महिला से रिलेटेड, कैसे, साफ सफाई का ध्यान महिला ज्यादा रखती, तो ढाका ढक के, ठीक है। और एक और साफ क्या था, माल साफ करने वाला, माली मालदीव, ये पुरुष वाला है, ठीक है। महिला वाले में कौन जीता, बांग्लादेश, उपविजेता भारत, और पुरुष वाले में कौन जीता, ठीक है, सुनील छेत्री कैप्टन। फीफा अंडर 17 का कहाँ होने वाला है, था इंडिया में होने वाला था, अभी होगा 2022 में होगा, 2021 में होने वाला था, 2022 में होगा। फिर डूरंड कप किस रिलेटेड है, फुटबॉल, ठीक है। हॉकी, देखिए हॉकी में एक भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड भुवनेश्वर उड़ीसा याद रखना, FIH 12वां जूनियर हॉकी विश्व कप, 12वां जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में याद रखना, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, उड़ीसा में होगा, नहीं हो गया है, ठीक है, जीता है अर्जेंटीना,
ठीक है, अर्जेंटीना जीता है। अभी जो भारत में हुआ वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बारवा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? भारत में हुआ, भारत में मतलब भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। जीता कौन? अर्जेंटीना, ठीक है। लॉन टेनिस का तो पूरा याद करा दिया हमें, चार प्रकार के जो होते हैं। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन में कौन जीता पुरुष वर्ग में? जोकोविच, ठीक है। कहाँ का खिलाड़ी है? और यूएस ओपन कौन जीता फिर? मदर मेदवेदेव, ठीक है, वो कहाँ का है? रशिया का, ठीक है। विंबलडन बल्डन बाल्टी कर क्या, ठीक है, कहाँ की थी वो? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फ्रेंच ओपन बारबोरा, ये आना चाहिए बारबोरा। क्रेज सिकोवा। ऑस्ट्रेलियन ओपन ओसग्या, ऑस्ट्रेलिया कहाँ की वो? जापान की। और यूएस की राडू कानू, ठीक है, एम्मा राडू कानू ब्रिटेन, याद रहेगा। चलिए अब ये खेल व्यक्ति तो ये 78वें पेज नंबर पे है, उस पूरे खेल में यही याद रखना, प्राथमिकता के तौर पर पूरा याद करने का समय तो है नहीं, और पूरा याद किया भी नहीं जाता, न किया जाना चाहिए। 78 जिनके पास है। खेल व्यक्ति तो राहुल द्रविड़ ये सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच बने, ये भी पूछा था शायद एग्जाम में, राहुल द्रविड़ पूछा था, किसने? मंडी में पूछा था राहुल द्रविड़, ठीक है। रवि शास्त्री जी का, ठीक है, सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन? राहुल द्रविड़, ठीक। फिर सौरभ गांगुली क्या है? तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन? सौरभ गांगुली, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष गांगुली, जबकि राहुल द्रविड़ क्या है? कोच है और ये अध्यक्ष है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के। वीवीएस लक्ष्मण क्या बने मालूम? ये राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बने, ठीक है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष कौन बने? वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। तो सब इंडियन प्लेयर का नाम है, तीनों कंफ्यूजिंग है, राहुल द्रविड़ कोच बनाए गए, ठीक है, सौरभ गांगुली अध्यक्ष बनाए गए किसके? तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के, और NCA का अध्यक्ष कौन बना? प्रमुख कौन बना? वीवीएस लक्ष्मण। फिर एक क्यूटिस कैम्फर था, आयरलैंड का गेंदबाज, चार बॉल में चार लोग आउट किया था, ठीक है। 2021 को अबूधाबी में 2020 वर्ल्ड कप में एक मैच में नीदरलैंड के चार खिलाड़ी को अपनी लगातार चार गेंदों पर आउट कर दिया था आयरलैंड का गेंदबाज, कौन है? कैम्फर, ठीक है, क्यूर्टिस कैम्फर। इसके बाद राशिद खान फेमस प्लेयर अफगानिस्तान का बॉलर, ठीक है। 2020 वर्ल्ड कप में सबसे तेज गति से 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है किया था, ठीक है। अफगानिस्तान का तेज गेंदबाज कौन? तेज बोलता हूँ, स्पिनर है वहाँ का, अफगानिस्तान का राशिद खान। इतना क्लियर? फिर अंडर 19 कैप्टन है क्रिकेट टीम के, वो है क्रिकेट टीम का भारत का, यश धूल, ठीक है, यश धूल अंडर 19, बस इतना ज्यादा। श्रेयस अय्यर ये पदार्पण टेस्ट में शतक बनाने वाले 16वें बल्लेबाज, ओपनिंग जो डेब्यू मैच रहता है ना, डेब्यू मैच उसमें श्रेयस अय्यर, ठीक है। इतना स्पोर्ट्स में आपका है, इतना याद करिएगा, ठीक है। अच्छा देखो, जो ओलंपिक होने को रहता है ना, उसको भी पूछ दिया जाता है कि आने वाला कब होगा, अभी बताया नेक्स्ट ओलंपिक 33वां वाला 32वां याद किए थे, जापान में 33वां कहाँ याद किए? पेरिस फ्रांस। और शीतकालीन विंटर वाला कहाँ है? बीजिंग चाइना में होगा, ठीक है, ये 24वां ओलंपिक है 2020 शीतकालीन होगा बीजिंग चाइना में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में, और सर्दी वाला होगा ठंडी वाला होगा बीजिंग चाइना में, ठीक है। पैरा ओलंपिक पेरिस में होगा,
24 वाला ठीक है, कितना शीतकालीन का 2022 शीतकालीन ये 82 में है, 82 पेज मिला। ग्रीष्मकालीन वाला ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस में, पेरिस फ्रांस। वही शीतकालीन ओलंपिक 2022 वाला कहाँ होगा, बीजिंग चाइना में। और पैरालंपिक पेरिस में, पैरालंपिक भी पेरिस में। नॉर्मल ओलंपिक ग्रीष्मकालीन वाला भी पेरिस में, और ठंडी वाला बीजिंग चाइना में। ये पूरा खेल वाला आपका खत्म, इतना याद रखना आपको ठीक है। ये जो 110 पेज में खेल वाला ही आपका कितने पेज का था, 57 से 83 26 पेज समझ लो कर लिए, जो जो इम्पोर्टेंट था ठीक है। और बीच बीच का एक आध इम्पोर्टेंट पेज सब कराया। अब इसको कोई स्कैन करके भेज दीजिए, बार बार फोटो खींचने का अच्छा है।